हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आजकल मार्केट में एप्पल्स की तो भरमार हो चुकी है, खूब सारे एप्पल आना शुरू हो गए हैं और आज हम लेकर आए हैं एक एप्पल की ही बहुत टेस्टी रेसिपी, जिसको आप बनाकर रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। पूरी हो, पराठा हो या फिर हो सिंपल रोटी, सभी के साथ में ये लगेगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। 10 मिनट में बनाएं और महीने भर खाएं, इतनी टेस्टी ये एप्पल की चटनी बनकर तैयार होगी कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो फिर इसके टेस्ट की तो आपको आदत सी पड़ जाएगी। बिना इसके आपको आपका नाश्ता अच्छा ही नहीं लगेगा। चलिए बहुत देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं एप्पल की चटनी की रेसिपी। इसके लिए हमने लिए हैं एप्पल, इनको हमने पहले से अच्छे से वॉश कर लिया था। मैं आज 3 एप्पल की चटनी बनाकर आपको दिखा रही हूँ। आप जितनी चटनी बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एप्पल ले सकते हैं। इन एप्पल्स को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में इस तरह से कट कर लेना है। अगर आपके भी एप्पल काटते काटते ही थोड़े रेड रेड से होना शुरू हो जाते हैं, वाइट नहीं रहते, तो उनको आप थोड़ी देर नमक के पानी में भिगोकर रख सकते हैं। ये ट्रिक है आपके बड़े काम की। ऐसा करने से आपके सुबह काटे हुए एप्पल शाम तक भी बिल्कुल फ्रेश और वाइट बने रहेंगे। अब लेनी है एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जो भी आप खाने में यूज़ करते हो। जैसे ही ऑयल हल्का गर्म होगा उसमें हम डाल देंगे मेथी के दाने और इसको लो फ्लेम पर बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसको ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन होते ही इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं जो हमने एप्पल्स को बारीक बारीक काट कर रखा हुआ है। एप्पल्स को इसमें डाल देंगे और इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करेंगे। एप्पल की इस चटनी को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए हम चटनी को बनाएंगे लो टू मीडियम गैस के फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर इस चटनी को बिल्कुल भी नहीं बनाना है, नहीं तो चटनी में कड़वापन आ जाएगा। जैसे ही एप्पल पर ऑयल की कोटिंग हो जाए, इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद इसको हम फिर से मिक्स करेंगे और अब हम इसको पकाएंगे कवर करके। इस पे लगा देंगे लीड और इसको हम पकने देंगे 2 मिनट तक। अगर आप सोच रहे हैं इस चटनी को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, तो इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही इसको 2 मिनट के बाद हमने चेक किया है, तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, इसको बहुत ही टेस्टी बनाने के लिए, और इसको हम कर देंगे अच्छे से मिक्स। जैसे ही काली मिर्च मिक्स हो जाएंगी, फिर से कवर करके हम इसको रख देंगे और पकने देंगे। बीच बीच में हम इसका लिड हटाएंगे और इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद इनको मैश करते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से अब ये थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं। हम इनके अंदर डालेंगे चीनी। आप यहाँ पर खुले दिल से सफ़ेद चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर का यूज़ किया है। जितना भी आप मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 एप्पल लिए हैं और आधा कप के जितना ब्राउन शुगर का यूज़ किया है। अब ब्राउन शुगर इसमें जा चुकी है, इसको मिक्स करेंगे। मेल्ट होना शुरू हो जाएगी जैसे ही शुगर, तब हम इसको थोड़ा सा और मैश करने की कोशिश करेंगे। अब इसको फिर से कवर करके रख देंगे। अब ये परफेक्टली बनकर तैयार होने वाली है। जैसे ही आप देख सकते हैं शुगर में उबाल आना शुरू हो गया है। हमने इसमें अभी कोई भी विनेगर या पानी का यूज़ नहीं किया है। जैसे ही एप्पल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे इनको क्रश कर देना है। आप एप्पल को क्रश करने के लिए मैशर की हेल्प ले सकते हैं। मैंने एप्पल्स को मैशर से काफ़ी अच्छे से क्रश कर दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा सौंफ का पाउडर, इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। अब कर देंगे बड़े अच्छे से मिक्स और लो जी, झटपट से सेब की चटनी बनकर हो चुकी है तैयार। अब इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। जिस भी बर्तन में आप स्टोर करना चाहते हैं तो इसको ठंडा होने के बाद उस बर्तन में रखिए, तभी ये लंबे टाइम तक स्टोर रह सकती है। अगर आपको रखना है इसको 1 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर यूज़ कर सकते हैं, लगभग आधा टेबल स्पून के जितना। ना ये देखिए मेरी चटनी आज ही ख़त्म होने वाली है, तो मैंने इसमें विनेगर का यूज़ नहीं किया है।
आप इस चटनी को बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आपको इसकी आदत सी लग जाएगी। और अगर ये आपको चटनी पसंद आए तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर से बता दीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल पर ऐसी और भी टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन भी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू for watching।